ओके भाई लोग, तो साल का वो महीना आ चुका है जहां पर सारे के सारे स्टूडियोज एक साथ एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और हमारे ऊपर ट्रेलर्स, मूवी अनाउंसमेंट्स और पता नहीं किन किन चीजों की बारिश कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिनेमाकॉन की, जो एक बार फिर से स्टार्ट हो चुका है और इसमें सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉर्नर ब्रदर्स की थी और उसमें उन्होंने बहुत सारे तो नहीं लेकिन ना कुछ काफी सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट्स करे, जिसमें से हम लोग बात करेंगे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में, जो कि है सुपरमैन और जोकर 2। सबसे पहले जोकर 2 के ट्रेलर से शुरू करते हैं। तो जोकर 2 का ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो चुका है, जो कि इस साल अक्टूबर में रिलीज होगी। एंड पहले ही बता दे रहा हूं, ये ट्रेडिशनल ब्रेकडाउन नहीं होगा, ऑल्दो काफी सारी डिटेल मैं बता दूंगा आपको, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले ट्रेलर 4K में था, आई लव द क्वालिटी। मतलब ट्रेलर को देखकर जो समझ में आ रहा है तो मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही टॉप नॉच तरीके की होने वाली है। जैसे जोकर 1 में हम लोगों ने देखी थी, तो टॉड फिलिप्स इसी चीज पे डबल डाउन कर रहे हैं। और एक चीज मैंने और भी नोटिस करी, जैसे जोकर 1 में जो एकदम बेरंग जिंदगी थी आर्थर फ्लेक की, तो इसमें उन्होंने रंग भर दिए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में वुमेन आ चुकी है। एंड इस चीज को हम लोग धीरे धीरे करके नोटिस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आता है गार्ड, आर्थर फ्लेक को कहता है कि भाई जोक है क्या कुछ मारने के लिए, तो आर्थर एकदम चुपचाप बैठा रहता है। फिर जब गार्ड उसको लेके जा रहे होते तो उसकी नजर पड़ती है लेडी गागा के ऊपर, तो उसका से टिल्ट करके देखते तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं से तो भाव मिलना शुरू हो चुका है जो उसको आज तक जीवन में नहीं मिला था। और इसका असर तुरंत ही अगले शॉट पे हमको देखने को मिल जाता है, जब गार्ड्स उसको लेके जा रहे होते हैं तो उन सब की छतरी हालांकि है ब्लैक कलर की, लेकिन आर्थर की जिंदगी में क्योंकि अब रंग भर चुके हैं तो जैसे ही वो छतरी ऊपर करते हैं तो सारी की सारी छतरियां कलरफुल दिखने लगती हैं। और इसके बाद से मेरे दिमाग में डाउट्स भरने लग गए कि इस मूवी में जितना भी जो कुछ भी होगा कितना कुछ असली है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्चुअली इन दोनों के दिमाग में चल रही हो सकती है। बट यार द कलर्स दे हैव यूज्ड आर एब्सोल्युटली गॉर्जियस, क्योंकि पूरा का पूरा वर्ल्ड डार्क है। इन लोगों ने वो टील कलर यूज करने की कोशिश करी है जो पूरे वर्ल्ड को एक ग्लूमी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें कलर्स भर दिए हैं विच लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। जैसे इसके बाद वाली फ्रेम को अगर आप नोटिस करते हो तो उसमें जोकर हार्ली से मिलने जा रहा है और आपको लगता है कि भाई कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन उसके बाद आपको नोटिस होता है कि नहीं, ये एक्चुअली में रियल नहीं है, ये लोग स्टेज पे मिल रहे हैं जो पूरी तरह से इमेजिनेटिव है, क्योंकि एक दूसरे की बाहों में बाहें डालते हैं और नाचना शुरू करते हैं और उसकी अगली ही फ्रेम चेंज होती है एंड यू रियलाइज कि ये लोग सड़क पे डांस कर रहे हैं एंड इट वाज टोटली इमेजिनेटिव, क्योंकि उनके आसपास पूरा कैओस मचा हुआ और एम्बुलेंसेस निकल रही हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस पूरी मूवी में हमको इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कितनी चीजें असली हैं और कितनी जोकर के दिमाग में चल रही हैं। हो सकता है कि मूवी खत्म हो एंड वी रियलाइज कि इसमें से कुछ भी एक्चुअली सही था ही नहीं, हो सकता है कि हार्ली भी सही नहीं हो। स्पीकिंग ऑफ विच, इन लोगों ने हार्ली क्विन पे भी एक डिफरेंट टेक लिया है इस मूवी में। कॉमिक बुक्स में और जितने भी हम हार्ली क्विन के इटरेशंस देखते आए हैं उसमें हार्ली क्विन जो होती है वो जोकर की साइकेट्रिस्ट होती है जो उसका इलाज करने के लिए आती है, लेकिन वो जोकर की पर्सनालिटी से इतनी ज्यादा फैसिनेट हो जाती है कि फिर वो खुद ही बीमार पड़ जाती है। उसके हिसाब से तो जोकर उसको ठीक कर देता है, लेकिन इन लोगों ने यहां पर भी हार्ली क्विन के कैरेक्टर पे एक डिफरेंट टेक लिया है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन वाली चीज ये है कि क्या हार्ली क्विन पहले से ही आर्कम सिटी हॉस्पिटल में थी या फिर आर्थर फ्लेक के एडमिट होने के बाद उससे इंस्पायर होकर वो यहां पर एडमिट होने आई है ताकि वो उसको छुड़ा करके बाहर निकाल सके, क्योंकि वो उसको बोलती है देखकर कि लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। या फिर एक चीज और भी हो सकती है कि हार्ली क्विन एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ उसके दिमाग में है। बिकॉज वी नो कि आर्थर के लिए ऐसी चीजों को इमेजिन करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने फर्स्ट पार्ट में भी एक पूरा का पूरा लव रोमांस अफेयर अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया था जो एक्चुअली में एग्जिस्ट भी नहीं करता था, तो फिर एक पूरी की पूरी लड़की को इमेजिन करना तो उसके लिए कोई बड़ी बात होगी नहीं। वाह नहीं जाते। बट सिंस हम लोग चीजें इमेजिन करने की बात कर रहे हैं तो आर्थर के कुछ फॉलोअर्स एक शॉट पे उसको फॉलो करते हुए भी नजर आते हैं। ये पूरी तरह से रियल है क्योंकि एक पुलिस कार आके उनको हिट कर रही है। अगर रियल नहीं होते तो फिर ये चीज भी नहीं हो पाती। लेकिन उसके बाद हार्ली और जोकर को अपना खुद का एक नया शो मिल रहा है और अगर आप नोटिस करोगे तो फर्स्ट पार्ट जैसा नजर आ रहा है वो मरे फ्रैंकलिन का जो शो था ये काफी हद तक उससे मिलता जुलता लग रहा है। अब ये रियल है या नहीं ये थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि मरे फ्रैंकलिन के खुद के शो पे जाकर उसको गोली मारने के बाद उसी को रिप्लेस कर लेना ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल सा लगता है। लेकिन हाँ, जोकर क्योंकि उससे बहुत ज्यादा इन्फैचुएटेड था तो ऐसा हो सकता है कि उसने अपने आप को और हार्ली को उसी प्लेस पे एक बार फिर से इमेजिन कर लिया हो कि वाह देखो मेरे को शो मिल गया, फिर से एक बार मैं वहां पहुंच गया। और अगर आप नोटिस करते हो तो जोकर और हार्ली एक बार फिर से वापस सिंगिंग और डांसिंग वाला कार्यक्रम भी कर रहे हैं इसके बाद वाले काफी सारी फ्रेम्स में भी, और हम हार्ली को भी उसकी टिपिकल अटायर में देख सकते हैं। अभी कॉमिक बुक्स और जो हार्ली क्विन के दूसरे वर्जन है वैसी अटायर नहीं है, ना ही वैसा मेकअप भी है। इसमें लेडी गागा ने अपने फेस को पूरी तरह से व्हाइट पेंट नहीं किया है, हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि लेडी गागा है। फिर स्टेज पे किक करने वाला शॉट बिल्कुल पुरानी मूवी जैसा है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि यहां पर जोकर और हार्ली दोनों किक कर रहे हैं, दोनों सीढ़ियों पे खड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर आसपास पूरे के
पूरे जोकर के फॉलोअर्स है जो उसको सपोर्ट करने आए हुए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से इमेजिनरी है। अगर आप नोटिस करते हो तो इसके तुरंत ही बाद हमें एक्चुअल शॉट देखने को मिलता है जहां पर जोकर आर्थर फ्लेक गाड़ी में बैठा हुआ है और वो पूरी तरह से इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी, हम्बल पर्सनैलिटी में है और लोगों को ऐसे सपोर्ट कर रहा है, और यहां पर उसके कपड़े भी पूरी तरह से बदले हुए हैं। फिर एक मैरिज का सेट है जहां पर एक और म्यूजिकल हमें देखने को मिलता है, वही सिंगिंग और डांसिंग वाला लफड़ा चल रहा है। उसके बाद ये आर्कम सिटी हॉस्पिटल वाली चीज को इन्होंने इमेजिन कर लिया है आर्कम होटल में, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन टू सी। मतलब मैं इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि ये लोग कौन कौन से सिनेरियोस को इमेजिन करते हैं, कौन कौन से गाने इसमें डाल देते हैं, क्योंकि टॉड फिलिप्स ने इस बात को पहले ही कंफर्म कर दिया कि म्यूजिकल होगी, इसमें काफी सारे गाने भी डाले जाएंगे। प्लस म्यूजिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मूवी। और अगर आप जोकर वन को याद करते हो तो जोकर मतलब आर्थर फ्लेक उसमें अपने आप को एक परफॉर्मर की तरह कंसिडर करता है। जब वो स्टेज पे जा रहा होता है तब वो खुद भी डांस कर रहा होता है, जिन लोगों को वो शूट करता है जब उससे मरे पूछता है कि क्यों तुमने किया, तो वो कहता है कि वो बस अपनी जिंदगी की ट्यून के साथ मैच नहीं कर पाते थे, ऐसे ही कुछ एक्सक्यूज देता है वो। तो वो बहुत सारी चीजों को म्यूजिक के आसपास तोलता है, तो इस मूवी में म्यूजिक का इंक्लूड हो जाना डज एक्चुअली मेक सेंस। प्लस हार्ली क्विन का जो कैरेक्टर है वो भी बैंड क्वार प्रैक्टिस में इंक्लूडेड है, तो मतलब वो जो रब ने बना दी जोड़ी वाला एंगल है, इन लोगों ने उस चीज पे डबल डाउन करके अच्छा खासा कनेक्शन बिठाने की कोशिश करी है। बस अब ये देखना है कि हार्ली एक्चुअली में एग्जिस्ट करती भी है या फिर सिर्फ यहीं से है। लेकिन हाँ, हार्ली का ये लिप वाला शॉट काफी बढ़िया था, इसको देखकर मुझे जोकर के इस वाले शॉट की याद आ गई जब उसने भी खून जैसे बनाया था। तो काफी सारे कॉल बैक्स है फर्स्ट पार्ट को लेकर, और जिसने भी ये कांच वाला शॉट बनाया इसकी पगार बढ़ाओ पहले तो, दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मूवी के कुछ आइकॉनिक शॉट्स होते हैं ना, जैसे जोकर वन में भी थे, तो ये जोकर टू का आइकॉनिक शॉट बन चुका है। बट यार, जोकर टू फॉलियर टू इसको देखने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। और इसका अगर ट्रांसलेशन भी आप देखते हो तो इसका ऐसा कुछ बनता है कि दो मेंटली अनस्टेबल लोग एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो या। लेकिन इसके बाद WB डिस्कवरी वालों ने कहा कि शाम है हंसी हंसी, वक्त है धुआं धुआं, दिल को कुछ पुरानी सी बातें याद आके रह गई। मतलब कुल मिला के उन्होंने सुपरमैन की बात करनी एक बार फिर से शुरू कर दी। तो जेम्स गन, जिन्होंने बेड़ा उठाया है एक बड़े से सिनेमैटिक यूनिवर्स को क्राफ्ट करने का DC के, उसमें सबसे पहली मूवी आएगी सुपरमैन, सुपरमैन लेगेसी इसको पहले बोला जा रहा था, उन्होंने अपनी एक अपीयरेंस दी वर्चुअल तरीके से, फिजिकली वो वहां पे नहीं थे बिकॉज ही शूटिंग फॉर सुपरमैन। तो उनका वहां पे एक वीडियो प्ले होता है और उन्होंने अपनी मूवी के बारे में बात करी सुपरमैन को लेकर। ऐसा एक्सपेक्टेड था उनको देखते ही कि ये सुपरमैन को लेकर कुछ न्यूज बताएंगे, मूवी को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन जेम्स गन उस सबसे ऊपर निकले। उन्होंने कहा कि मैं मूवी को लेकर तो कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन प्लीज बी एक्साइटेड फॉर माय मूवी, क्योंकि मैं मूवी को लेकर कुछ दिखा सकता हूं। और उन्होंने मूवी को लेकर क्या दिखाया? नहीं सूट, नहीं लोगो, सुपरमैन मूवी का लोगो दिखा दिया गया है, एंड ये वही लोगो है जो हम लोग इतने लंबे टाइम से देखते आ रहे थे। सुपरमैन का S है लेकिन वो इनकम्प्लीट सा, जैसे हम लोग किंगडम कम का लोगो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें बीच में येलो कलर भरा हुआ है। और इससे हमको काफी सारी हिंट्स भी मिल चुकी है ऑलरेडी कि मूवी किंगडम कम से इंस्पायर्ड होगी, लेकिन क्योंकि डेविड कॉन्सवर्ट का सुपरमैन जो है वो उतना ज्यादा ओल्ड नहीं है जितना किंगडम कम कॉमिक बुक्स में होता है, तो ये फिर उतने ज्यादा डीप लेवल पे नहीं जाने वाले। बट हाँ, इसमें काफी सारे सुपर हीरोज और एंटी हीरोज टाइप के कैरेक्टर्स इन लोगों ने इंक्लूड करे हुए हैं। लेकिन हाँ, जेम्स गन के साथ ही साथ डेविड कॉन्सवर्ट और बाकी मूवी के कास्ट मेंबर्स भी अपीयर हुए। नहीं, डेविड कॉन्सवर्ट अपने सुपरमैन सूट में नहीं थे, लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि भाई लोग हमारी मूवी के लिए प्लीज बी एक्साइटेड, और अगले साल सिनेमाकॉन में हम पूरी कास्ट के साथ उस स्टेज पे अपीयर होंगे, एंड बी रेडी फॉर द समर ऑफ सुपरमैन एंड अ मैन इन केप। मतलब हो सकता है कि डेविड कॉन्सवर्ट अपने पूरे सुपरमैन सूट में उस स्टेज पे अपीयर हो, जैसे आज से कुछ टाइम पहले रॉक भाई साहब ने ब्लैक एडम के लिए किया था। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इतने टाइम तक हमको सुपरमैन के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जोकर अक्टूबर में रिलीज हो रही है और उसको WB वालों ने अभी से मार्केट करना शुरू कर दिया है। तो अगर ये जोकर 2 को 6 महीने पहले से मार्केट करते हैं, तो जहां तक मुझे लगता है तो सुपरमैन को भी जनवरी के आसपास मार्केट करना चाहिए, प्रोबेबली सुपर बोल। लेकिन हां, जेम्स गन ने इसके साथ ही साथ इस बात का भी कंफर्मेशन दे दिया था कि 18% मूवी उन्होंने फिल्म कर ली है, इसमें नॉर्वे के जितने भी शॉट्स थे वो फिल्म करके वो लोग वापस अटलांटा में आ चुके हैं। मतलब फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड हैज बीन कंप्लीटेड और अब वो वापस आकर के अमेरिका में फिल्म कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि इतनी सारी लीक्स के दुनिया जमाने में रहने के बाद भी हमको सुपरमैन के सूट का एक भी लीक नजर नहीं आया। तो जो भी है, जैसा भी है, आई थिंक कि हमको ऑफिशियल लुक ही देखने को मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड आई थिंक कि वो कुछ टाइम में आ जाना चाहिए, जेम्स गन ने उसके लिए कुछ ना कुछ तो प्लान करके रखा होगा। बट हां, इन केस अगर आप सोच रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं, नहीं, सिनेमाकॉन में इसके अलावा
डीसी की कोई भी मूवी का जिक्र नहीं किया गया, बिकॉज 2025 में डीसी की कोई और मूवी आ ही नहीं रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डीसी का कुछ भी माल आपको देखने को नहीं मिलेगा। शोज लाइंड अप है, जैसे कि क्रीचर कमांडोज जो इसी साल रिलीज हो जाएगा, उसके बाद वॉलर था उसको शिफ्ट कर दिया गया है, फिर पीसमेकर का सीजन 2 है जो हमें सुपरमैन के कुछ ही टाइम बाद देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो 2026 से पहले हमको देखने को नहीं मिले। यार जितना भी था, जो कुछ भी था, डब्ल्यूबी वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये निकल के आया है, जोकर 2 का ट्रेलर, सुपरमैन, इसके अलावा उन्होंने मिकी 17 की कुछ फुटेज को स्क्रीन किया था जिसके बारे में बात कर लेते हैं, बट उसका ट्रेलर जब तक रिलीज नहीं हो जाता मैं उसको होल्ड ऑफ करके रखना चाहता हूं। अब इसके बाद बारी है लायंस गेट, यूनिवर्सल, पैरामाउंट की, और आखिर में 12 तारीख को होगी डिज्नी स्टूडियोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें आई होप ये लोग डेडपूल का कुछ दिखाए। वैसे बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने मेरा रिसेंट वाला रोस्ट वर्स नहीं देखा तो यहाँ कहीं पे होगा, उसको प्लीज देखना मत भूलिएगा। जाने से पहले, कॉमिक वर्स से मैं हूँ मोहित, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो इटर्नल्स के किंगू का डांस आपके फोन में लूप पे चलेगा, लूप पे वॉलपेपर बना दूंगा।